और अगली खबर भी रायपुर से, जहां 9 जिलों के 48 खाद्य बिक्री केंद्रों पर कार्रवाई की गई है। बेमेतरा, राजनांदगांव, रायपुर, जांजगीर चांपा में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं गरियापन, दुर्ग, पालापसार, धमतरी और कवर्धा में कार्रवाई की गई है। कृषि और राजस्व विभाग की टीम किया 92 खाद्य बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया है। अनियमितता पाए जाने पर 3 खाद्य बिक्री केंद्रों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के 3 खाद्य बिक्री केंद्रों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। बेमेतरा में 6 दर्जन कृषि केंद्र को सील किया गया है। वहीं बेरला में 2, थान खमरिया में 2 और नवागढ़ में भी 2 दुकानों को सील किया गया है। 9 जिलों के 48 खाद्य बिक्री केंद्रों पर कार्रवाई की गई है। कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया और जहां भी कमियां पाई गई वहां के लाइसेंस निरस्त किए गए। और अधिक जानकारी हम लेंगे, सहयोगी उमेश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए अवंतिका, जिस तरीके से देखा जा रहा था, प्रदेश में खाद की जो किल्लत है वो बरकरार है, लिहाजा लगातार किसानों को खाद की ज़रूरत है। लेकिन उन्हें अगर खाद मिल भी रहा है तो बढ़े हुए दामों में मिल रहा है, उसकी कालाबाजारी जमकर हो रही है। लगातार इसकी शिकायत शासन प्रशासन को भी थी, लिहाजा कृषि विभाग और राजस्व की संयुक्त टीम ने 9 जिलों में कल औचक निरीक्षण किया, जहाँ पर 48 जगह पर अनियमितता पाई गई। वहाँ पर खाद बिक्री को लेकर जो अनियमितता थी उसको लगाकर उन खाद केंद्रों पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा बलौदाबाजार के 3 खाद केंद्रों को जो उनका निलंबन की कार्रवाई की गई है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रदेश में लगातार खाद की किल्लत बनी हुई है, इसको लेकर किसान लगातार शिकायतें भी कर रहे हैं और प्रशासन शासन और सरकार भी इसको लेकर एक्टिव है, ताकि कहीं पर भी खाद की किल्लत हो तो वहाँ तत्काल कार्रवाई की जाए और किसानों को जो खाद है वो मुहैया कराई जाए। लिहाजा बिलासपुर में भी इस तरीके की स्थिति देखी जा रही थी कि खाद की कमी है और इसकी शिकायत मिल रही थी। फिलहाल अभी इस तरह की कोई जाँच यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन यहां पर भी जांच की जरूरत है। लेकिन जो रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, दुर्ग और जो कबीरधाम है वहां पर इस तरीके की जो 9 जिले हैं वहां पर लगातार जांच की जा रही थी। कुछ जिलों पर अनियमितता पाई गई, वहां पर कार्रवाई भी की गई और जहां पर अनियमितता नहीं पाई गई है वहां पर व्यवस्थित करने और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो खाद लेने और देने में, इसलिए वहां पर भी पूरी व्यवस्था करने के, सुचारू रूप से व्यवस्था करने के निर्देश शासन ने वहां के स्थानीय प्रशासन को दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है, किसानों को कहीं भी दिक्कत ना आए, किसानों को खाद के लिए कहीं कमी ना आए, कालाबाजारी की स्थिति नौबत ना आए, ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन जो है वो एक्टिव है और एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया उमेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो किसानों की परेशानियों के मद्देनजर इन सभी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। खाद बिक्री केंद्रों पर कार्रवाई की गई। 9 जिलों के 48 खाद बिक्री केंद्रों पर कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया।